स्पीकिंग अकरम रास्ते जी, मैं उन्हें सारी शहर की नाकाबंदी कराना। नस के किसे जाएगा? जग पेने हो दीवे जग मग जग मग जग पे।
जेल चो फरार होके इस क्लब चौन बने ये खबर तो यकीन साढ़े ले भी परेशान है दबाए से परेशान गल असि हमें गिरफ्तार कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल इंस्पेक्टर यस सर क्लब की तलाशी लो सर खतरा टल गया है तो उन महफूज मुकाम पर पहुंच गए बारह डब कौन है तू मफरूर जुर्म कतल कौन की चाल पनाह
आना जेल विचों फरार होने की वजह कुछ दिन तक मैं फांसी होने वाली मौत को डर के नसे है नहीं जिंदगी की खातर मौत नाल मत्था ला के आया पुलिस को कब तक बचना चाहना जब तक जिंदा रहने की हसरत है फिर अपने जेल नू पुलिस के खौफ तो आजाद कर लें असी तेन रहन का वल सिखा दें मैं ताड़ा आसान जिंदगी भर याद रखा लेकिन साड़ी एक शर्त है वो की असी तेन अपने म्यार से परखण वास्ते तेरी आजमाइश लवाने मैं हर आजमाइश लिए तैयार हूं मेरे पीछे पीछे आ गए Thank you.
तू अपने आप नूं साडे ग्रोह विच शामिल होण दा अहल साबित कर दिता है। तेरी जुर्रत और हौसला देख के सानू खुशी हुई है। यह मेरी कुछ खुशकिस्मती है, पर मैनू इत्थे करना की पैणा। जो असी चाहवांगे, मैं हर काम वास्ते हाजिर हाँ। ड्यूटी मुनासिब वक्त ते लाई जाएगी। थैंक यू। कोई होर आजमाइश? नहीं, आखिरी सवाल। तेरा इस दुनिया में होर कौन कौन है? एक जवान भैन ते बुढ़ी मां। भाईजी ने मुझे को खबर छपी अम्मी। आह बेटी, अकरम जेल से फरार हो गया और फांसी नहीं हो सकी। परवरदिगार तेरा लख लख शुक्र है, एक बहन की मां की दुआ मान रख ली। रब्बा मेरे पुत्र मौत को तो बचा ले और उन्होंने कानून कानून माफी दुआ दे। हौसला रखो माँ जी, मैं आज ही इकबाल साहब ना गल करांगी। वो मेरे क्लास फेलो रहे ने ते उन्हां दे डैडी दी हुकूमत विच बड़ी रसाई है। इंशाल्लाह साड़ी रहम दी दरखास्त जरूर मंजूर करवा देंगे। रब तेरी सुबह मुबारक करे दिए, अगर उन्होंने कानून करो माफी मिल गई तो सारा नवी जिंदगी मिल जाएगी। मैंने यकीन है माँ जी, हुकूमत इकबाल के डैडी नवाब अफजाल सिफारिश जरूर मनेगा। साढ़े वालों ये फकीर नजराना हस्पताल ली ते ए यतीम खाने ली। जजाक अल्लाह नवाब साहब। जे तुसी इजाजत दियो ते हस्पताल दे नवे ब्लाक दा नाम ताड़े नाम दे उत्ते रखता जावे नवाब साहब। नहीं भाई नहीं, असी नेकी दे दावेदार ते तां बणीए जे सानू इस गल दा सबूत मिल जाए कि साडी नेकी बारगाह खुदावंदी च कबूल होई। माशाअल्लाह, तुहाडे वर्गे दौलतमंद भी इस जान दे विच किधरे किधरे होणगे। असी ते रब्बुल इज्जत कोलों अज तक सिर्फ उही दौलत मंगी जिहदे विच हाजत मंदां दा भी हिस्सा। अल्लाह ताला ने इसे वास्ते तुहाडे उत्ते खास नजर इनायत कीती नवाब साहब। सानूं इजाजत दिओ, असी जाके लेबर नूं पेमेंट भी करनी। क्यों नहीं जी, जरूर जरूर। अच्छा जनाब, नवाब साहब खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। जी डैडी, किधर दी तैयारी बेटी? डैडी एक दोस्त नूं मिलन जा रहे हैं। इहदा मतलब वे अज दी छुट्टी भी तू साडे नाल नहीं गुजारेगा? लगता तो कुछ ऐसा ही डैडी। खैर, वापस करते कर आ जाएंगे। इंसान अपनी मर्जी नाल जांदा है ते आंदा दूसरी नाल है। वैसे डैडी एक दो घंटे लग जाएंगे। बेटा जरा जल्दी आने की कोशिश करी। कोशिश करांगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बरकत सर, ओ शुगर मिल दी इनकम टैक्स वाली फाइल तैयार है? आहो सरकार, मैनेजर ने कल फोन से इतलाह कर दी थी। सरकार अगर गुस्ताखी ना समझी जाए तो मैं इकबाल साहब की मुलाजमत के बारे कुछ अर्ज कर सकना? क्यों नहीं? क्या ये ठीक है सरकार कि जिन्हों के अपने हजारा मुलाजम हो चंद सौ रुपए की मुलाजमत कर? इकबाल का नौकरी करना उसकी जिद ही नहीं, साड़ी ख्वाहिश भी है बरकत। वैसे भी मैं अपने पुत्र की कोई गल रद्द नहीं कर सकता। मैं अफसोस है नजमा, मेरे लेट होना तेरे इंतजार करना पड़ा। बस एक मिनट ही मैं तेरे को पहुंचे समझ। बड़ा इंतजार करा एक बार। मुलाकात का यकीन होवे तो इंतजार करने का भी मजा। मजा तो उन्होंने ख्याल आंदा एक बार जेड़े तेरे आने से पहले आते। दो दिलों ने तनाई च मिलना होवे नजमा ते आने वाला हर ख्याल जज्बात छल छल मचा देता। प्यार भी पता नहीं की शै एक बार तू कोल ना होवे ते दिल नूं करार नहीं आंदा। तू मिलना ते बेचैनी होर बढ़ जाती है, दिल वसों बाहर हो जाता है ते सारे उखड़ दे पैंदे ने। पता है क्या, ये
वारदात से मुबारक देने हैं। तू अपने आप को काबिले इतमाद ही नहीं, मुश्किल तो मुश्किल काम दायर भी साबित कर देता है। थैंक यू बॉस। हम तू ही जा सकना है, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला ले जाए। थैंक यू बॉस। जबरू माल चेक कर। माल बिल्कुल ठीक है बॉस। मेरा ख्याल रखते सन ते मैं उन्होंने किस तरह बुला सकनी हाँ। सच पूछो ते मैं उन्होंने जुदाई के गम उन्होंने कानून को रिहाई की खुशी के ध्यान ला लिया है। नजमा भाई जान एक दिन अपने नाल सारी दुनिया जहां दिया खुशियां लेके घर वापस जरूर आएगा। मी जे वो दिन आया नजमा ते सारी दुनिया मेरे वास्ते हनेरी कबर बन जाएगी। वो दिन जरूर आएगा मी, इस गल की तसलीक बाल साहब ने दी है ते कोई एक भैन के दिल ने। मां की ममता उस दिन की उड़ीक जिंदा रहे। तू मैंने इकबाल देवा जी को ले जा, मैं उन्होंने पैरों से सिर रख के अकरम की रिहाई वास्ते दरखास्त करांगी। ऐसी कोई जरूरत नहीं अम्मी, इकबाल साहब आपे बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने सिफारिश वास्ते राजी कर लेंगे। तुसी नहीं जानते कतल के केस विच उन्होंने कोल सिफारिश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और जमाल भैया बैठ बड़ा की गल है, को मर्ग हो गई हूं पर कुत्ते पै गए नहीं। खुशहाल भैया की गल है, बचपन दे यारां कोल बड़ियां अखां चुराण लग पे हैं, बहुत अमीर हो गए हैं। अमीर? अरे भाई मैं अमीर तू मजाक करते हो, मैं तो तबाह बर्बाद हो चुका हूं। परे होया की है, तू तो हर वेले हसते रहने का आदि था। मैं? अरे किस जमाने की बात करते हो, तुम्हारा जमाल बच्चों की ज्यादती से तबाह बर्बाद और अब जंजाल भैया हो गया। ओए चक्कर की है, चक्कर तो समझा। चक्कर क्या चक्कर समझाऊं, मैं बच्चों की ज्यादती से तबाह बर्बाद हो गया, मेरी बर्बादी में तुम्हारी भाभी का 50% हिस्सा है। ओ यार गल्ला गल्ला जी याद नहीं रहा, माफ करी। भाभी परी का की हाल? परी डांसर बन चुकी है, उसी कमबख्त की वजह से मैं इस हाल को पहुंचाऊं तबाह बर्बाद हो गया। मैं नहीं मानता यार, तो खुल के गल कर चक्कर की। चक्कर? हाँ। अच्छा तो फिर कलेजे पर हाथ रख के सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कैसे बर्बाद हुआ बच्चों की ज्यादती से। बच्चा 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 बच्चा, बच्चा तबाह बर्बाद। एक दफा का जिक्र है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तुम्हें कहां से पता चल गया वो कौन है कमबख्त? मैं कहता तो आते हो पांच क्या लेते हैं मां? कमबख्त चले जा, अभी बाहर भाग के आ, मेरे बाहर भाग के आ, अभी पहली पहली पिता भी नहीं दी। अच्छा चले जाने। नफसा नफसी दे इस दौर च हर चीज मुमकिन है बेटे। पिछले दिनों अखबार च खबर नहीं सी पड़ी कि दरिंदा सिफत इंसान ने एक छोटे जे बच्चे की उंगली चो अंगूठी ला ली, उसका हाथ ही वढ़ दिता। मैं कोई बच्चे तो नहीं। इसीलिए तो होर भी जरूरी है कि तू बहुत कीमती लॉकेट पाके करो बाहर निकले। डैडी तुसी किधरे औलाद के मामले च
कि फैशवारी को काम से नहीं लेना शुरू कर देता। नहीं बेटे नहीं, ये किस तरह हो सकता है? दौलत सानू औलाद को बहुत प्यारी नहीं। मैं तो सिर्फ तेनू ये समझाना चाहना है कि इंसान कीमती जेवर पाने अपनी जान भी खतरे च पा लेंदा। मैं समझ गई, तुसी मैनू समझा के नहीं बल्कि डरा के हीरे का कीमती लॉकेट खरीदने तो बाज रखना चाहते हो। ओहो, साड़ी बेटी तो नाराज हो गई। उन लॉकेट वास्ते 50,000 देन तो अलावा 5,000 मनाली भी देना पड़ेगा। डैडी, बड़ी सिद्धी है साड़ी बेटी। बरकत? यस सर। आसिया बेटी के नाम का एक 50,000 नहीं 5 मनान देवी 55,000 का एक चेक लिखते हो। थैंक यू डैडी। सर बच्चियां दे नवे स्कूल दे इफ्तिताह दा वक्त हो गया। हाँ असी भी तैयार ही हैं, वो बस आसिया बेटी नाल जरा गल करदे देर हो गई। चलो आओ। ए नोट तेरे वास्ते रखे गए ने, दूसरी वारदात की तैयारी करने तो पहला तू जिथे चाहे ए नोट खर्च कर सकना, तू जा सकना। थैंक यू बस। अल्लाह तेरे मन दिया मुरादा पूरिया करेगा। रुपया नहीं, चुप करके लॉकर साढ़े कासे च पा दे, नहीं ते तेरी आवाज निकलन तो पहले तेन हले जान बचा दिता जाएगा। शाफत की जिंदगी रास नहीं होती,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਫਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਜਮਾ, कौन? एसपी साहब, मैं नवाब अफजाल अर्ज कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। मुजरिमों का कोई सुराग मिलिया? एसपी साहब, सानू तो इंतजार उस दिन का है जिस दिन समाज दुश्मन अनासर नू सरेआम गोली मारन का कानून बनाया जाए। बहरहाल जैसे ही कोई इतला मिले मैनू टेलीफोन ते इतला कर दे। जी ने? फिलहाल तो कोई गिरफ्तारी अमल च नहीं आई। आसिया बेटे, मैं सोचना जे ऐन वक्त ते वो नौजवान ना पहुंचता तो फिर की होता? तो कम अज कम उन्होंने नाल ही लै आना सी, असी उहदा शुक्रिया अदा कर देना। नाल लियाना ते कुछ उन्हें तो मैनू अपना ना दसना भी जरूरी नहीं समझिया। बहरहाल ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਲਵਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਬਸ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਮੀਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਸ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਮੀਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਬਸ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਪੋਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲੱਗ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ, ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਅਮਲ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਇਕਬਾਲ,
तेरे वालद नवाब अफजाल बेग साहब भी टेलीफोन से इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, पर सोचना वा जिना अफसरों का तजर्बा तेरी उम्र तो ही बहुत है, उन्होंने नाकामी तो बाद तेरी कामयाबी का किना इमकान है? सर इस गल का जवाब तो वक्त देगा, अगर तुम ये केस मेरे सपुरद कर दिता तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझा। असी इस यकीन वाले केस तेरे सपुरद करने हैं कि मुजरिम बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। यू कैन गो। असी तैनू तेरी दूसरी कामयाबी की मुबारकबाद दे दिया होया यह खुशखबरी सुनाने कि तेरी तरक्की कर दी गई है। शुक्रिया बस। अज तो बाद तेरी ड्यूटी साढ़े दूसरे अड्डे चलाई जाती है, अगला हुक्म तैनू उठे ही दिता जाएगा। तू गड्डी लैके अपरमाल के मोड़ से पहुंच जाए, उतों अड्डे तक पहुंचने वास्ते एक सफेद कार तेरी रानुमाई करेगी, तू जा सकना। ओके बस। मेरी पूरी गल तो सुन। तू मेरी अनु सोचना है
समझ के लाया
अड्डे से तेन खुशामदीद कहने तो बाद असी तेन एक नवी मुहिम से जाने की तैयारी का हुक्म देने। हुक्म की तामील हर कीमत की जाएगी। बस फिर गौर न सुन, अज राती नाइट क्लब एक पाकिस्तानी लड़की यूरोप तो साढ़े मुखालिफ ग्रोह का माल लेके आ रही है। तू वो माल ओदे कोलो किस तरह भी खो के बाहिफाजत इतने पहुंचाने। बस मैं पूछ सकना बाहिफाजत लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? इसलिए कि डीएसपी के कतल तो बाद पुलिस ने हर पास सख्ती शुरू कर दी है। ओके स्पीकिंग 303 माल मेरे को ले। कोई खास वाकया पेश नहीं आया जी बेटा। मैं क्लब च अपना प्ले करन तो बाद माल 40 दे देवांगी। ओके गुड नाइट। मुजरमान की गिरफ्तारी पुलिस लिए एक चैलेंज बन चुकी है डैडी, तो मैं इस चैलेंज नू बड़े इतमाद नाल कबूल किया। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਤੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸੇ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੈਡੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਪ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਡੈਡੀ? पुलिस अफसर ने मैं समाज दुश्मन अनासर खत्म करने अपनी जान की बाजी लाने तो भी दरेज नहीं करा। शाबाश बेटे, तू साबित कर दिता है कि तेनों पुलिस की नौकरी करने की इजाजत दे के असी सही फैसला किया। अल्लाह तेरा हामी नासर रहे। मैं तेरी दुआ के नाल ही मुजरमान की गिरफ्तारी के सिलसिले में आज पहला कदम उठावगा डैडी। तू मेरे वाली कदम वधिया से ते मैं अपनी जिंदगी का सफर तेरा हाथ अपने हाथों में लैके गुजारन का फैसला कर लिया सी। तेरा प्यार मैंने उस मुकाम से लै आया है जिथे तेरी तस्वीर वेख के कन्ना शहनाइया गुंज लग पैंदियां ने। दिल वसों बाहर हो जाता है तो तेरे को उठ के पहुंचे तो जी करता है। नजमा जी, किसी भी तस्वीर में अपनी तकदीर बनाने तो पहला मां नाल जिक्र कर लेना सी। अम्मी तेरा फैसला गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तू तालीम याफ्ता है। तेरे किरदार से भी शक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तू मेरी धी है। पर मां होने की हैसियत ना मैं तेरे को कुछ पूछने का हक तो रखनी है ना। तुम्हारे इस मां ने मुझे यह गल सिखाई है कि ती जवान हो मां प्यो अपनी इज्जत उसके अमानत रख देते हैं, तो चंगी तिया उस अमानत की हिफाजत अपनी जान से खेल के भी करती है। तू मेरे इस मां का मान रखे, मैं भी तेरी खुशी का ख्याल रखांगी। पर ती साड़ी औकात तेरी हैसियत बड़ा फर्क है। कुछ भी होवे इकबाल कभी साथ नहीं छेगा, इस गल की मैं पूरी उम्मीद है। उम्मीद के सहारे जिंदा रहने वाले कभी कभी अपने आप को धोखा भी देते हैं। पर मैं जिंदगी के किसी मुकाम से भी नजमा धोखा नहीं देंगा। माँ जी इकबाल औकात तो हसीयत का जिक्र करने तो पहला तुम ये क्यों नहीं जो सोचा कि दौलत तो कुछ बची नहीं जिसे तो इंसान को परख्या जाए? पर मैं तुम ये सोच के सारे खर्चे जेब चो कढ़ दो कि मेरे नजदीक दौलतमंद होना खूबी ते गरीब होना कोई ऐप नहीं। जे ये गल है तो फिर मैं अपनी धी का फैसला मंजूर है। मेरे ख्याल ही बेहतर यही होगा मां जी कि अकरम की राय भी ले ली जाए, क्योंकि भैनों दी डोलियां भरावों के मोढ़ियां ते साई दियां। ये गल तो ठीक है, तू तो जानना है कि अकरम जेल चो फरार हो चुका है। पर मैं यकीन है कि भैन के सह नाल सह लैण वाला भरा इत्थे जरूर आया होगा। अकरम तो इतने कभी नहीं आया। फिर तुम्हें टिकाने का जरूर पता होगा। मैं तो इना चाहनी हाँ कि पुत्र का सब तो बड़ा टिकाणा उसकी मां का दिल होता है। तू किधरे पुलिस अफसर की वर्दी पाके इतने यह गलत पूछने नहीं आया? मां जी पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी पछाण का हो हर गल फराइज शामिल हो जाती है। फिर अकरम तो इतने नहीं आया,
पर जेड़े जख्मा दा मुंह तो खोल चले ओदा लहू अथरू बन। अकरम दी खातर ते मैं भी परेशान। Thank you.
दो की चाहना है? माल। क्या माल? जेड़ा तू लेके आई। मैं कोई माल लेके नहीं आई। मिस रोजी कार नु कार बदलन दा वाल मैनू चंगी तरह आउंदा है। जिंदगी चाहनी है ते सीधे तरह माल मेरे हवाले कर दे। क्या जोर, मेरे को कोई माल नहीं। कोशिश ना करिए अकरम, कानून ने तन चारों पासे कर ले। ए दाड़ी बोले डिप्टी साहब, मैनू चौं पासे घेर के भी तुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ए तेरे भी बोले अकरम, तेन शायद ही पता नहीं कि तेरे लिए सन गोली दाग रहे। ते तुसी गोली चला के अपना चाल ला लो, मैं ते गिरफ्तारी उदों दियांगा जदों अपने मकसद च कामयाब हो जाऊंगा। मिर्जा साहबा कबर हीरा मंडी आए, मिर्जा साहबा कबर हीरा मंडी आए, हीरा मंडी आ गई ओना कमरे बुक चलाए, कमरे लागे ओना यारो यो रात बुलाए। तुमने मेरा घर क्यों देख लिया? दूरबीन से देख लिया। अंदरों बाहर से आओ, अभी बाल में लोरी देने आया तो फांसी देने नहीं आए। बकवास ना करो मीर साहब, अभी बधाई लेने आया तो रिश्ता लेने नहीं आए, तो नाराज क्यों होते हो? मैं क्या अंदरों बाहर नहीं आया? किस किस को लोरी दोगे तुम बक्को? सुबह से शाम हो जाएगी, ढेर सारे बच्चे, बहुत बच्चे खत्म नहीं होंगे। दो रुपये ये तो किसी और घर आ गए यार, और जेड़े घर बहुते बाल हो उसे तो रोटी नहीं लगती। ठीक है तो बधाई कितों लगनी है? चलो चलिए, मैं पूछना देवा बाल नू, मैं पूछना देवा, मैं पूछना तुम लोग क्यों हंस रहे हो? चलो यार, मेरे मालिक ये सारी मुसीबतें मेरे ही हैं।
परवरदिगार या तो मुझे मौत दे दे या, या, या नहीं मुझे ही मौत दे दे मेरे मालिक। किससे बच्चे हो गए? अब कोई आया तंबाकू? शाबाश अकरम, तेरी आज की कामयाबी साडे क्रू के दूसरे मेंबरों वास्ते एक मिसाल बन गई है। सानू भी तेरे ते फखर है। पर मैं अपनी खुशबख्ती ते नाज उदों करांगा बस जदों तुसी मेरे सामने आके हुक्म देना शुरू करोगे। तेरे अंदर इस ख्वाहिश का पैदा होना एक कुदरती अमल है, पर साडे तक पहुंचने वास्ते तेरी रहनुमाई कोई होर नहीं बल्कि सिर्फ तेरी अपनी अकल कर सकती है। मैं समझा नहीं बस। जिस दिन समझ जाएगा साड़ी शक्ल ही देख लेंगे। मैंने उस दिन का शिद्दत में इंतजार रखा। सानू उम्मीद है कि वो दिन आने तक तू ऐसे चापिशानी नाल अपनी सरगर्मियां जारी रखेगा। तुसी मैनु पनाह दे के मेरी जिंदगी बचाई सी, तुहाडे हुक्म ते अपनी जिंदगी की बाजी लाना मैं अपना फर्ज। तू साड़ी तो पूरा उतर रहे, इसलिए असं तेरी तरक्की करके तेन अपने तीसरे अड्डे से भेजने का फैसला किया। तू अज रात शहर के मगरब वाल पहाड़ियों कोई पहुंच जाए, साडा आदमी तेन अड्डे से पहुंचा आवे। ओके बस। सानू इतला मिली है कि डीएसपी इकबाल साड़ी तलाश दिन रात एक कर रहा है। जब तक असं उसकी मौत का हुक्म नहीं कर देंगे उसके को खास तौर पर मुहतात रहने की लड़ है। तुम फिक्र ना करो बस, डीएसपी इकबाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाय बाय बस। तू तो मेरे को इस तरह बच रही नजमा जिस तरह मैं को गैर हूं। नहीं इकबाल, नहीं ऐसी तो कोई गल नहीं। मैं दिल से की अपनी जिंदगी भी तेरे नाल आई है, पर शादी तो पहले भी। शादी दो दिनों के मिलाप का ना है नजमा, जिस सारे दिल मिल ही गए तो असि क्यों ना एक हो जाइए। यह मतलब है तू वो गल मनवानी चाहना है जी मेरे बस से? तू गलत समझी नजमा, मैं तो तेना अपन बहवें लैके इस गल का यकीन दवाना चाहना वा कि साड़िया मुलाकात ख्वाब नहीं हकीकत ने। नहीं इकबाल, नहीं गल अगे बच जाएगी। नजमा Thank you.
बड़ी सियानी हो गई। नफसियात दी स्टूडेंट है, कोई मजाक नहीं। जैसे लगे हाथ अपने सिलेक्शन की दाद ले लो। वाकई साड़ी भाभी हजारा चो नहीं लखा चो एक है। एदा मतलब है तू डैडी के साड़ी वकालत जरूर करेंगे। तन वकालत की की लोड़े पाई जान। क्यों डैडी नु ताड़ी ख्वाहिश अपनी जान तो भी ज्यादा प्यारी है। वो तो ठीक है, पर है कि ताड़े आने तो पहले कीर्तिम लड़की की शादी ते गए ने। ओह भाईजान चाबी तो दियो, मैं भी सालगिरह ते जाना है। ओ भाई मैंने भी मीटिंग ते जाना थी जल्दी है। और खैर मैं ऑफिस टेलीफोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेना। अला फर चाबी। थैंक यू। लेकिन एक काम करी, नजमा नो ये कार ड्रॉप कर दे। तुसे बिल्कुल फिक्र ना करो। आओ भाभी जी। ओके नजमा, बाय। नहीं नजमा, हुन मैं चलनी हूं। तुसी पहली बारी साडे घर आए हो तो चाह नहीं पियोगे? इत्थे तकल्लुफ वाली केड़ी गल है, मैं फिर कभी आके पी लूंगी। अम्मी नु नहीं मिलोगे? हूं मैं उन्होंने मिलने तो किस तरह इनकार कर सकती हूँ। अम्मी जी, अम्मी इन्होंने नाम अच्छी है तो इकबाल साहब की भैन ने। इकबाल की भैन जी आया धीए, तेनों अपने घर से वेख के मैं बड़ी खुशी हुई। तुम मिलकर मैंने भी इंज लगता है जिम्मे मां के प्यार की कमी पूरी हो गई है। अम्मी तुम दोवें बैठ के गल्ला करो तो मैं चाह बना के लिया। नहीं बेटी तुम बैठो, मैं अपनी धी वास्ते अपने हाथों ना चाह बना के लिया। बड़ा सोहना घर है। ये तस्वीर मेरे भाईजान अकरम दी। नजमा तुम इन्हों जानते हो? तू ए दस, तेरे भाईजान घर किस भी लेंदे ने? यदा मतलब है कि तुम उन्होंने मुतलिक कुछ नहीं जानते, पर जानना बहुत कुछ जानी है। तो फिर सुन लो, कुछ अरसा पहले भाईजान ने हालात के हाथों मजबूर होके कतल किया। पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तो जिस दिन जज ने उन्होंने सजाए मौत का हुक्म सुनाया उस रात ही भाईजान जेल चो फरार हो गए। पर तेरे भाईजान ने कतल किनू किया? तुम इतने बैठो तो मैं तुम्हें सारी गल सुना। अकरम तू बिस्मिल्लाह, मां सबके मां मारी जाने, मेरा दिल अच कहना थी मेरा पुत्र मैंने मिलना से जरूर आएगा। मां जी वो साढ़े घर के सामने जो बेटी खलोती है वो तो कौन आया? नजमा की सहेली आसिया आई है। नजमा की सहेली आसिया,
अच्छा मैं हमने आना। एदा मतलब है मकदूर ने अपनी मौत नू आप बाज मारी सी, पर कानून ने गल नहीं मनी। कतल करन तो लेके फरार होने तक भाईजान की मजबूरी का एहसास किसी ने किया। तुसी भाईजान नजमा मैं थोड़े वाल दस के होने आनी हाँ। आसिया तेन पता लग गया होगा कि मैं कातल भी हाँ महसूस हूं। मैंने नजमा ने सारिया गल दस दियां ने, पर यह गल मैं किसी नहीं दसागी कि तू अपनी मां ते भैन मिलन लई घर आना है। आसिया तू जिंदगी विच पहली बारी मैंने जिस रूप विच मिला से वो किसी मसरूर कातल का नहीं, मेरे आइडियल का रूप से। तू मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। बाकी दी गल्लां अगली मुलाकात च कर ले। एक गल याद रखी, इतवार की शाम नू बागे जनाह दे पिछले पासे मैनू मिलन जरूर आवां। तेरे पिछे ते मैनू मौत दे मुंह विच वी आना पए ते मैं पिछा नहीं मुड़ांगी। आसिया लोड़े से बचा लो, उनके इरादे खतरनाक मालूम होते, उनसे कह दो कि मैं घर में नहीं हूं। कह दो कितने मुंह ऐसे हवन दा हर वेले झूठी बोलना पैंदा। ठहर के ना पाजी, मीर साहब तेरा बाजार गया है। ए माई बिल्कुल झूठ कहंदी है, अजे हुणे अंदर मीर साहब की आवाज आ रही थी, मैं ते अज वसूली करके ही जावांगा। ओ चक्कर ला ला के ते मेरी भी लत खराब हो गई है, अज मैं इस अरबी घोड़े को अपने पैसे लेके ही जावांगा। तदे तू रोज साइकिल ते आना, ओए मैं इहदा छपारियां कटने वाला अज सरौंठा ला जांगा। ओए मैं अज मीर दी खीर बना देनी है। ओए इहनू बाहर ते कढ जा, मैं भी बगैर मुछो मेरा ख्याल है मीर जंजाल के घर को मैयत हो गई है। हाँ यार फिर फादा पाली सवाब का काम है। चल आ फिर यार। बेगम मेरा ख्याल है मोहल्ले में किसी की मौत हो गई है और लोग जमा है, दरी बरी बिछी है, मैं भी फातिहा पढ़ी हूँ। जाओ है? मेरा ख्याल है चले ही जाओ। पढ़ो भाई फातिहा। आए असी ते तेरा फातिहा पढ़न आया, आए कद शादी रकम है। शरीफों से पैसे मांगने के कुछ आधा बागाब होते हैं। खैर उठा ना मेरी गल सुन, बड़ा चिर होया ना बेलचे वर्गा मुंह वेख दिया। पढ़ लो एक बच्चा तारा, दूजा बच्चा दिल का सहारा, तीजा चौथा एक मुसीबत, पंजवा निरा पुआड़ा, बहुते बच्चे होण ते हुंदा बाकियां नाल गुजारा। हाय एक बच्चा अखियां का तारा, दूजा बच्चा दिल का सहारा, तीजा चौथा एक मुसीबत, निरा पुआड़ा, बहुते बच्चे हुण ते हुंदा बाकियां नाल गुजारा। हाय एक बच्चा अखियां का तारा। शायद आपको इबरत आए सुने मेरा अफसाना, आपको इबरत आए सुने मेरा अफसाना, कैसे
ना जहन्नम यारो एक खुशहाल घराना। धूमधाम से कर दी थी माँ बाप ने मेरी शादी, बच्चों की एक फौज बनी तो खूब हुई बर्बादी। चीनी चावल आटा भी हुण मिलता नहीं उधारा, बहुते बच्चे हुण ते हुंदा पापिया नाल गुजारा। हाय एक बच्चा हुई आबादी से है दुनिया में महंगाई, बढ़ती हुई आबादी से है दुनिया में महंगाई। इस तादाद को और बढ़ाना जुल्म है मेरे भाई। बच्चे पैदा करने वालों देखो हालत मेरी, मांग तांग कर वक्त गुजारूं जान गमों ने घेरी। जब भी मरा तो लोग कहेंगे मुफलिस था बेचारा, बहुते बच्चे होते हुंदा पापी नाल गुजारा। हाय एक बच्चा अखियां का तारा। जितने बच्चे होंगे उतनी बढ़ेगी हर दुश्वारी, जितने बच्चे होंगे उतनी बढ़ेगी हर दुश्वारी। जुर्म ज्यादा होंगे बढ़ती जाएगी बेकारी। हर बच्चा मांगेगा तुमसे फीस मिठाई खाना, तुमसे यही कहेगा अब्बू खाली हाथ न आना। किस्मत पर रोएगा खाली हाथ तुम्हारा, बहुते बच्चे होने ते होंदा बापे नाल गुजारा। हाय एक बच्चा अखियां का तारा, दूजा बच्चा दिल का सहारा, तीजा चौथा एक मुसीबत पंजवा मेरा पुआड़ा। बहुते बच्चे होने ते होंदा बापे नाल गुजारा, बच्चे होने ते हुंदा पाकिया नाल गुजारा। हाय बहुते बच्चे होने ते हुंदा पाकिया नाल गुजारा। ओए बहुते बच्चे होने ते हुंदा पाकिया। ये है मेरी दुख भरी रास्ता, लोग औलाद को तरसते हैं, मुझे औलाद ने तबाह बर्बाद कर दिया। यार गल ये है कि सारा कसूर तेरा ही, साढ़े वाल तक 15 साल साढ़े व्याह हो गए ने, हुण तक बच्चे सिर्फ दो ने। मैं नहीं मानता, तुम दोनों मियां बीवी में कोई ना कोई बीमार होगा। ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है, तुम करो ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते। यार तेरे अनपोले ओए पागला, एज तो ते सारे जमाने ने फायदा उठा लिया, ते तैनू हाली खबर ही नहीं। नाले सुन के तैनू खुशी होगी कि इस ऑपरेशन का सारा खर्चा महकमा जरा ना खानदानी मनसूबाबंदी का वो कर दे। अबे तो यार नेक काम में क्यों देर कर रहा, मुझे मजीद बच्चों से बचा लो, मेरे सब मुझे लेके चले। अच्छा मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। नहीं यार एहसान वाली केड़ी गल है, तू साडा यार है, नाले दे केड़ा साडे पल्लेओं खर्चा होना है, हुणी चल ले। ठीक है रिक्शा अड्डा ठहर। तसल्ली कर यार, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कामयाब है, मेरी बीवी तो खैरियत से है ना। ऐसे मामूली ऑपरेशन है जमाल साहब, ऐसे की नुकसान वालों का खतरा ही नहीं। अल्लाह आपका भला करे और खानदानी मंसूबा बंदी वालों का। मैं तो सारे पाकिस्तानी भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि वो इस स्कीम से पूरा पूरा फायदा उठाए। ऐसे बच्चे पैदा करने से क्या फायदा जिन्हें ना अच्छी तालीम मिल सके ना अच्छी खुराक मिल सके। कर्जदारों के हाथों आप ये मेरा असर देख चुके, बेशुमार जिल्लतों से बचना है तो करीबी सेंटर जाकर उनकी खिदमात से पूरा पूरा फायदा उठाइए। ये मंसूबा बंदी वालों का हसीन तोहफा है आपके लिए। अच्छा बड़ी मेहरबानी, गिरफ्तार कर रहा था।
ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਬਸ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਤੇਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅਕਰਮ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ। ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਕਰਮ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਜਮਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ। ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ
सच सच दसेंगा ना? झूठ अपनी जिंदगी बचाने वास्ते कभी नहीं बोलूंगा मां जी। तुसी जानना की चाहते हो? एक वहम की हकीकत, एक सोच दान चाह, एक सवाल का जवाब। मैं तेरा मतलब नहीं समझा मां जी। मैंने तो आप समझ नहीं आती, तेनू समझाने वास्ते कल मैं अपनी धी का ना लैके शुरू करा या अपनी गुरबत का? मां जी तेनू तो नजमा वेख के जो गल मेरे जेहन चाहिए जे वो गल लोगों की जुबान से आ गई तो मैं इस घर की चार दीवारी टकरा मार मार के मर जाऊंगी। अपनी सोच का रुख बदल दो मां जी। मैं थे जिल्लत ते रसवाई दी तरीक रहा तो नहीं, इज्जत ते गैरत दी रोशन रहा तो चल के आना। पर यह गल उन्होंने नहीं मननी जेडे सिर्फ चेहरे वेखते ने दिल जाती नहीं मारते। यहोजे लोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए मां जी। परवाह लोगों की नहीं, डर ते दीदी बदनामी दा, ते बदनामी मौत को वह दुख देती है। मां जी मारन वाले का हाथ फड़िया जा सकता है पर बोलने वाले की जुबान नहीं। इस तो पहले के मल्ले बारे गल शुरू कर दिया तू इतने आना जाना बंद कर दे। पर मैं मां जी जे आना ही चाहना तो फिर जंज लैके आ, मैं दीदी डोली तोड़ देंगी। इस गल वास्ते तो मैं अपने डैडी भी मना लिया है। तो फिर मैंने उन्होंने को ले चल, मैं अज ही ब्याह का दिन मुकर्र कर देंगी। नहीं मां जी हूं तो मैं ड्यूटी पर जा रहा, कल इंशाल्लाह तुम ले जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज। जिंदा रहे। यकीन करके तेरे नाल गई था पर मैंने नहीं सी पता तू उस बात का बेटा है जिन्हों इंसान कहना इंसानियत दिता है। मैं अपने डैडी की शान कोई गुस्साखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरा डैडी किन्नी कु शान और शौकत का मालिक है, यह पता तेन मुनासिब वक्त लग जाएगा। साडा कोई इंकशाफ मैं परेशान नहीं कर सकता, इसलिए सारे मेरे डैडी नवाब अफसर इंसानी फरिश्ता समझते। पर जिन्हों मैं मिलकर आई हाँ वो नवाब अफसर नहीं। झूठ है, मैं सब कर सकती हूँ। तो फिर मेरा सबूत मंगा। फिर जा अपने डैडी को कि मैं इस गल चखना। मां जी हूं तुम इस घर वाल मुंह करने तो पहले सोच ली कि दरवाजे तेरा इस्तकबाल तेरी मौत करेगी। मेरी गल सुन के परेशान क्यों हो गया डैडी? साढ़े को साडा नाम पूछन तो बाद भी सवाल कर रहे हैं। सच कहने वाले सोचते नहीं, तुसी ते घबरा भी गए हो। इहदे बावजूद तू साडा नाम पुछन ते पसिद्ध है। डैडी तुसी अज तक मेरी हर जिद पूरी कीती है और मैं उम्मीद है कि तुसी अज भी मैं मायूस नहीं करोगे। साडी शफकत की अजमाइश लैन तो पहले यह दस किदी गल दा यकीन करके तू अपने डैडी दे नाते शक कीता है? जे मैं कवां हालात दे हत्थों मजबूर होके फिर असी मजबूर नू मुजरिम नहीं समझते, इसलिए तेरे नाल गिला भी नहीं करांगे। मैं अपनी गल नू फिर दोहराना डैडी, नवाब अफसाल कौन सी ते ताड़ा असल ना की है? ते मैं तेनू एक बारी फिर समझाना बेटे, इस गल नू परते च रहन दे नहीं ते तेरा बाप बेनकाब हो जाएगा। ताड़ा असल रूप वेखे बगैर मैंने भी चैन नहीं आना डैडी। सिद्ध ना कर बेटे, ये साडा हुक्म नहीं इल्तजा है। मैं भी हाथ जोड़ के इल्तजा करना वा कि हूं मेरे को हकीकत ना छुपाओ। पाल तुम मेरी कसम है डैडी, मैं सब कुछ दस दियो। जेड़ी गल तू जानना चाहना है बेटे वो एक बेकोर कफन लाश रोटी के मोहताज दो मासूम बच्चे तो शुरू होती है। लाश ओ
وہ لاش کی دیسی تے مسوم بچے کون سن وہ لاش تیری امی دیسی تو بچے ڈیڈی تو سن کے پریشان ہو گیا اس انسان دی حالت اندازہ لا بیٹی جدی بیوی نو ملے لے نے چندہ جمع کر کے دفنایا ہوئی جدے بچے بکتا تکا کھا کے موت دے مو چٹ گیا ہون جڑا زندہ لاش بن کے اپنے بچے دی زندگی بچان دی کوشش کر رہا ہوئی آج تو 18 ورے پہلے خدا دا واسطہ جی میں نے ایک روٹی تو تھوڑا جا دودھ دا دے دی میرے بچے بھوکے نو مر جائیں گے تیری گلا سن سن کے میرے کل پا گیا پر تو نہیں تھکیا تینو ادھار دے گیا تے پیسے کی دا تو وصول کرنے سارے کام چھڑ گیا کدھر نوکری کر لے آشما مجیدیا میرے بچے رات دے بھوکے نے میں کتنے کتنے ٹکرانی ماری ہوں گیا تو نوکری دی گل کرنا میں نے مزدوری بھی نہیں ملتی میری منے نا آشما تے بچے نے انگل لالا تے جا کے پی آشما کر کر کے تو دنیا نے دیکھ گیا ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا اور کسی نے ترس نہیں کہا تھا کسی نے فریاد نہیں سنی میں نے فریاد نہیں سنی یہ دنیا تسا تسا کے زندہ رکھ دی تو ترفا ترفا کے مار دیئے پر میں میں تن سیک سیک کے زندہ نہیں رہن دیا گا میں تڑک گل کٹ کے اس زندگی دے صاحب کو اپنا پچھا بھی چڑھا لگا اپنا پچھا بھی چڑھا لگا من قتل کرن دی سانو تیرے تے اونا ہی بھروسہ ہے جنہ اعتماد اپنی ذات تے تو اپنے آپ نو صرف مینیجر سمجھنا تے اسی تینو اپنا پائی عزت افزائی دا شکریہ نواب صاحب اسا فیصلہ کیتا ہے کہ آج تو بعد تو صرف شوگر مل دے ہی نہیں ساڈی زمیناں تے جداد دا وی انتظام سوالیں گا میں اپنے آپ نو ہر مقام تے ذمہ دار تے فرض شناس نوکر ثابت کرن دی کوشش کراں گا سرکار ٹھیک ہوں تو جا سکنا میں کچھ عرض کرنا چاہوں سر نواب صاحب کہو عرض یہ کہ تانو زندگی گزارن لئی ایک ساتھی دی ضرورت ہے تے تواڈی بے پناہ دولت تے جائیداد لئی ایک وارث تسی دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ساڈے کئی ہور دوستاں نے وی سانو یہ مشورہ دتا ہے پر اسی دوسری شادی کر کے وہ عہد نہیں توڑ سکتے جڑا اسی اپنی مرحوم بیوی نال کیتا سی پر نواب صاحب وہ اس موضوع تے مزید گفتگو کرن دی کوئی گنجائش نہیں اکبر ساڈا فیصلہ اٹل ہے تم تو جا سکنا خدا حافظ خدا حافظ نواب نو قتل کرن تو بعد بھی اس وقت تک اصلی نواب نہیں بن سکے گا جب تک کہ مینیجر زندہ ہے نواب بنن واسطے مینیجر دا قتل ضروری ہے مینیجر دا قتل ضروری ہے مینیجر دا قتل ضروری ہے پھر تے خون چھت رنگن تو بعد میں نواب افضال احمد نو قتل کر کے آپ نواب افضال بن گیا یہ سب کچھ میں تیرے لیے کیتا سی بیٹے مینوں امید ہے تم ہی میرے لیے وہ کچھ کرے گا
जो मैं चाहूंगा। तुसी की चाहते हो तो मैनू की करना चाहिए। इस गल का फैसला हम वक्त ही करेगा। ये गल पुलिस अफसर बन के की या साड़ा बेटा। जिस वेले कानून की हद शुरू हो जाए उदो सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे। एक बाल ये न भूल कि तेरी जगह साड़ा खून दौड़ रहा है। और सोने 14 नमक भी शामिल है जिदे कतल का इकरार तुसी कर चुके हो। वो कतल मेरी जरूरत सी बेटे। कातल को गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। तेरा फर्ज है। तेन साड़ी बेपनाह जदाद की विरासत तो महरूम कर सकता है। जिंदगी उन्हों की भी गुजर जाती है जिन्हों की कोई जायदाद नहीं होती। जे तू साडा पुत्र नहीं रहा तो एक जवान भैन का भरा बन के सोच। इकबाल असी गिरफ्तार हो गए तो आशिए कातिल बाप की बेटी समझ के कोई शरीफ आदमी अपनी बहू नहीं बनाएगा। जिस गल तुसी कतल करन तो पहले नहीं सोचा मैं कानून का मुहाफिज बन के उस गल नू किसा सोच सकता। तो फिर यकीन कर ले नादान लड़के कि तू सानू कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता। ए ताड़ी पुल्ले नवाब साहब तुसी अपने आप नू गिरफ्तार समझो। अपने हाथी गोली मारांगे। एनू कमरे में कल्या छड़ दे। तू साडा हुक्म नहीं सुनिया क्रम। यस बॉस।
कौन है तू? मैं हूं जिन्हों तेरी तलाश बेपरा जुर्म करने पे सानू जन पेशा लोगों तो सख्त नफरत है। तेनू साडे कारे पैर रखन की जरूरत की सानू बेनकाब कर देता है। तुसी मेरे बाप नवाब अफसाल दे मैनेजर दे कातल। बकवास बंद करते दबो दे। तू एक शरीफ आदमी नू ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं तेनू ब्लैकमेल करन नहीं आया, अपने प्यो दे कतल दा बदला लेना है। देखो जा बदला लवांगा। तेन दा कोई बदफितरत इंसान इसे शरीफ आदमी नू कतल नहीं करेगा। काबले नफरत इंसान चो एक जिन्होंने मुआशरे के सीने ते नासूर का नाम दिता गया। चोरी कतल डाका ते समगलिंग जिन्हों का पेशा है, जिन्होंने इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। जनाबे वाला मुलजिम इस तो पहला भी एक बेगुनाह इंसान के खून छात्र के जेल जा चुके हैं ते जेल तो फरार होने के बाद DSP जमील का कतल भी इसने किया। एक गल साबित हो चुकी है, लेकिन जनाबे वाला इस गल का कोई सबूत नहीं कि मेरे मुकल नवाब अफजाल ने अज तो 18 साल पहले मुलजिम अकरम दे वालिद अकबर खान नूं कतल कीता सी। मैं अपने फाजल दोस्त की खिदमत विच गुजारिश करांगा कि वह अपने मुअक्कल ने नवाब अफजाल का नाम देने तो पहले यह साबित करन कि उन्हां दा मुअक्कल नवाब अफजाल ही है। जनाबे वाला जिस गल नूं सारा शहर ते की पूरा मुल्क नहीं चुटला सकता, उस गल नूं साबित करना अदालत दा वक्त तय करन दे बराबर है। जनाबे वाला धोखेबाज पूरे मुल्क नूं ते की सारी दुनिया नूं अंधेरे विच रख सकदे ने। मतलब है कि तुहाडा मुकल नवाब अफजाल नहीं बल्कि नवाब अफजाल का कातिल हशम है। इस गल का तुहाडे कोल की सबूत है? सबूत मैं देंगा। इकबाल बेटी अदालत च अपने डैडी के खिलाफ बोले ना? चुप रह के अपने फर्ज तो कुताही नहीं कर सकता। सर मुलजम हाशम ने अकबर खान ते नवाब अफजाल के कतल का इकरार मेरे सामने किया। जनाबे वाला मुलजिम हाशम ना सिर्फ दोहरी कतल का मोटिव होया है बल्कि नकली नवाब बन तो बाद डाका दही ते स्मगलिंग दी वारदात भी करता रहा है। तुहानू ये गल भी साबित करनी पड़ेगी। इस गल का सबूत मुलजिम अकरम नहीं बल्कि SP स्पेशल फोर्स जनाब मोहम्मद अकरम पेश करेंगे। अकरम साहब की हथकड़ी खोल दी जाए। जनाबे वाला इस स्पेशल पुलिस का किस तरह हो सकता है? ये मेरे ग्रो आदमी है तो क्यों गए? कह दो नो फरमाया ते हुन मैं तुहाडी इतला लिया करना नकली नवाब साहब कि तुहाडे जुर्मा की पूरी फहरिस्त तैयार करने लई मैनू तुहाडे ग्रोह शामिल होना पिया। वकील साहब तुसी मेरे ते दोहरे कतल का इल्जाम लाया सी। दोनों च एक कतल डिप्टी जमील का सी। मकतूल डिप्टी जमील
تے جنابے والا دوسرا قتل صرف کاغذوں تک محدود سی تو دی تفصیل ایس فائل وچ محفوظ ہے حیران کیوں ہو گیا نقلی نواب صاحب تسی ٹھیک کیا سی تواڈے تک پہنچن لئی میری عقل میری رہنمائی کرے گی جناب اعلی ایس فائل وچ جڑے دے چارے خفیہ اڈے نے انہاں دے دروازے دیاں تصویراں وی نے اگر تسی انہاں تصویراں نوں یکجا کرو گے تو اس مجرم دی تصویر بن جائے گی یہ دنوں وڈا ہور کی ثبوت ہو سکتا اکرم صاحب اسی تن تواڈے مشن دی کامیابی تے تن مبارکباد دینے تھینک یو سر اور نال اقبال صاحب دی فرد شناسی میں سلام کرنا تھینک یو سر ہن تو اپنی صفائی کچھ کہنا چاہنا ہے صفائی ایتھے صفائی کی دینی جتھے اچا بولنا بھی جرم ہے مینو چپ رہن دیو جج صاحب مینو چپ رہن دیو نہیں تے تاڈی عدالت دی توہین ہو جائے گی تے میرے جرم چ اور جرم دا اضافہ ہو جائے گا جج صاحب تسی قانون پڑھے تے میں قرآن پڑھے تے قرآن دا فرمان بھکھے نو روٹی دیو میرا جرم صرف اینا ہے کہ میں بھکھے ہاشم نو روٹی دیتی ہے میں کوئی گناہ نہیں کیتا میں نیکی کیتی ہے پر تسی مننی اس لئی نہیں کہ ایتھے پوجا نیکی دی نہیں نیکو کار دی ہندی ہے میں بدکار جج صاحب میں جو کچھ بھی ہاں ڈاڈا ہوں پر تسا مینو پچھاننا اس لیے نہیں کہ میں جس چور دروازے چو لنگ کے آیا وا تسا وہ دروازہ نہیں ویکھیا اے فائلاں کھلیاں رہن دینا تے وکیل بھی کھلاری رکھنا تے آپ بھی اس سے کرسی تے بیٹھے رہنا جج صاحب اس لیے کہ جس دروازے چو میں لنگ کے آیا اس دروازے چو میں اپنے ورگے لکھا آسمان آتا دیکھ رہا تسی صرف میرے ساں بند کر سکتے ہو وہ دروازہ بند نہیں کر سکتے جنہیں وچوں بھک تے دکھ دا طوفان آتا ہے لکھ لو جج صاحب میں قتل نواب تو نہیں کیتا اس نظام دا کیتا ہے جس نظام میں ہر غریب دی قسمت امیر دی مٹھ چندی ہے تے او مٹھ مرتے دم تک نہیں کردی کہ میں صرف اس مٹھ نو کھولن دا جرم کیتا ہے جساب اس مٹھ نو کھولن دا جرم کیتا ہے بولا میری کی سزا ہے پھانسی ہاں میں نو پھانسی دیو پر رب دا واسطہ جو جج صاحب میرے نال نال ایک پھانسی بھوک نو بھی دیو جڑی ہر بندے نو لگتی ہے پر ہر بندے نو روٹی نہیں ملتی تے دوجی پھانسی انہاں حالات نو دیو جڑے معصوم نو مجرم بنا کے تہاڈے سامنے لے آندے نے تے تیسری پھانسی ساڈے مقدراں نو دیو جڑے ساڈے لئی اے بہت تیرے ہون کچھ نہیں لے کے آندے کچھ نہیں لے کے آندے میں نو ہر پھانسی منظور ہے جج صاحب جے میں نو یقین دعا دیو کہ میرے پھانسی چڑھن تو بعد اس کٹھیرے چھوڑ کوئی حشم نہیں آئے گا تے میں اپنی موت آپ مر جاؤں گا اپنی موت آپ مر جاؤں گا اپنی موت آپ مر جاؤں گا ڈیڈی ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਜਮਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਆਈਡੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਂ
वे मां सदके मैं ते हर वेले तेरी रिहाई दियां दुआवां ही मंगदी रही हां। तुहाडियां दुआवां दे नतीजा निकलिया मां जी कि मैनूं तरक्की मिल गई। तरक्की मिल गई है हुण ते मैं अपने पुत्तर नूं सिरे बन के प्यासियां नूं अपनी धी बना लांगी। दिल मिल के मैं दिल नूं कल्या